हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक आवश्यक सूचना यहाँ पर देखिए 16 अगस्त की दी हुई है। और ये 16 अगस्त 2023 की जो सूचना है, ये मुख्य सेविका की जो मुख्य परीक्षा है उससे रिलेटेड है। इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और इसमें जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था पेट के आधार पर, पेट 2021 के आधार पर, उन्हें शॉर्ट लिस्टेड भी कर लिया गया है। इस पूरी न्यूज़ को मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाऊँगी और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास अब एक महीने का ही टाइम है जिससे कि आप इसमें अपने लिए एक सीट जो है सिक्योर कर पाएँ। मुख्य सेविका की जो विज्ञप्ति निकली थी उसमें 2693 पदों के लिए पेट जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसे कहा गया यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है पिछली बार से, और उसी के आधार पर वो अपनी सारी भर्तियां अब करता है। तो पेट 2021 के स्कोर में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड जो आपका स्कोर है में शून्य और उससे कम या नकारात्मक प्राप्त अंक प्राप्त करने वाले अध्यापक अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड ना करते हुए यानी कि उनको बाहर किया गया है। उपलब्धता की सीमा तक 45,857 ठीक है 45,857 अभ्यर्थियों को जो है सूची में आए हैं वो लोग, उन्हें चुना गया है और उनका जो मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु अनुमोदित कर दिया गया है इतने बच्चों को। इसमें एक न्यूज़ और है कि कुछ बच्चों ने जो है मेल फीमेल का जो है दिक्कत की है उसको लेकर यहाँ पर एक और दिया गया है कि 45,857 अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 939 अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत जेंडर के कॉलम में पुरुष लिख दिया है, जबकि ये जो भर्तियाँ थी केवल फीमेल के लिए थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, सभी पद केवल महिलाओं के लिए थे। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को, जेंडर इनका गलत है, तो इन लोगों के लिए एक मौका दिया जा रहा है। क्या मौका दिया जा रहा है कि 28/8/2023 यानी कि 28 अगस्त को और 29 अगस्त को, या तो 28 को आ जाइए या 29 को, जिन्होंने त्रुटिवश मेल अंकित कर दिया है पुरुष, स्वयं महिला के होने के संबंध से शपथ पत्र के साथ अपने दावे की पुष्टि संबंधी अभिलेखीय साक्ष्य या प्रमाण पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र एवं आधार कार्ड सहित आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि मैन्युअली आपको वहां जाना होगा उसको सही कराने के लिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे कि मेल की जगह फीमेल है, ताकि उनके दावे के परीक्षणों उपरांत उनके अभ्यर्थन के संबंध में निर्णय लिया जा सके। अगर उक्त तिथियों में आप उपस्थित नहीं होते हैं, हाँ ठीक है, और महिला होने का अपना जो शपथ पत्र है या अभिलेखीय जो साक्ष्य या प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो आपका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो ये जो बच्चे हैं 939 ठीक है, इन बच्चों को जो है बहुत ध्यान देना है। अगर वो गलत हो गया, उनका मेल उन्होंने जेंडर कर दिया है, तो सही पहले सही करा लीजिए। अब इसका क्या है कि ये लिखा है, उल्लेखनीय है कि जो पेट 2021 के परिणाम में जांच के अधीन रखे गए तीन आवेदक जो हैं अभ्यर्थियों का, उनका आयोग के अंतर्गत है, तो उनका एक अलग केस है। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो मैं बता रही हूँ, तो एग्ज़ाम जो है आपका 24 सितंबर को है। कब है? 24 सितंबर 2023 को एग्ज़ाम है। और आप खुद ही समझिए कि इस 16 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास एक महीने का केवल टाइम है। एक महीने के टाइम में आप अपनी तैयारी जो है बढ़िया करके कर लीजिए। लिखा है पूरा कि ये जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर 2023 को कराने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, इन पदों के लिए। तो पैट के थ्रू शॉर्टलिस्टेड आप जो लोग भी हो गए हैं, वो लोग इस पढ़ाई को अच्छे से करिए जिससे कि आप अपनी एक सीट कंफर्म कर पाएँ। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम कैसे होगा, कहाँ होगा, जो सेंटर कहाँ होंगे एग्ज़ाम के, परीक्षा कैसे होगी, और मुख्य परीक्षा हेतु जो आपका फॉर्म जमा होगा, फिर से शुल्क जमा होगा, ठीक है, उसके लिए आपको वेबसाइट पर जो है अलग से सूचित किया जाएगा। क्योंकि ये तो आपका पेट के लिए शॉर्टलिस्टेड होने के लिए फॉर्म भरा होगा, अब आप मुख्य परीक्षा के लिए एक अलग से फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी बात हो रही है, और सेलेक्ट कितने बच्चे हुए हैं? 45,857 बच्चे। ये बच्चे अभी दोबारा से एक फॉर्म और भरेंगे अपनी मुख्य परीक्षा को देने के लिए। तो जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि जब एक महीने के अंदर आपका जब एग्ज़ाम होने की बात हो रही है 24 सितंबर को, तो उससे पहले जल्दी जल्दी एक दो दिन में आपको इसकी खबर मिलती रहेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर लगी है कि खबर ठीक है, नॉलेजेबल है, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा। और अगर मुख्य सेविका से रिलेटेड जो भी फॉर्म भरने से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।